नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों फाइटर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में। आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों फाइटर फिल्म के कलेक्शन में कल ड्रॉप देखा गया है करीब 29% का, और कल फिल्म का कलेक्शन अगर ट्रेड की माने तो 28 करोड़ की रिपोर्टिंग है। हालांकि जब प्रोड्यूसर फिगर आएगा, फाइनल फिगर आएगा, तो 30 करोड़ तक जा सकता है। और दोस्तों ट्रेड का जो पहले दिन का फिगर था वो 22.5 करोड़ का था, जबकि प्रोड्यूसर फिगर था करीब 24.50 करोड़ का, 2 करोड़ का फर्क था। और दूसरे दिन जो ट्रेड का फिगर आया वो 39.50 करोड़ का आया है, 39 करोड़ 50 लाख का गणतंत्र दिवस का टाइम था। और जो प्रोड्यूसर फिगर है उस दिन का वो करीब 41.50 करोड़ का है, और कल का ट्रेड का फिगर 28 करोड़ का है, लेकिन ये फिगर जो प्रोड्यूसर का वो 30 करोड़ के आसपास आएगा। तो टोटल मिलाकर के ट्रेड के अनुसार 90 करोड़ रुपए का कलेक्शन है प्रथम 3 दिनों का नेट कलेक्शन, और जो प्रोड्यूसर के अनुसार करीब 95-96 करोड़ का कलेक्शन 3 दिनों का है, जिसका ग्रोस होता है करीब 112-114 करोड़ रुपए के आसपास। इंडिया ग्रोस 21-22 करोड़ के आसपास फिल्म ओवरसीज से कलेक्शन कर चुकी है, तो करीब करीब दोस्तों 135-136 करोड़ का इसका शुरुआती 3 दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो गया है। जहां तक आज की बात करें तो फिल्म आज करीब 10.02 करोड़ की एडवांस बुकिंग लेकर के आई है थिएटर्स में। तो डेफिनेटली, और ये बता दूं आपको कि 3,29,000 टिकट थ्रू एडवांस बुकिंग आज सोल्ड आउट हुए हैं, और करीब 16,000 शो है फिल्म के पास आज। तो डेफिनेटली फिल्म आज कहीं ना कहीं 30-35 करोड़ की रेंज में कलेक्शन करेगी, जो इसके कलेक्शन को, जो नेट कलेक्शन है उसको करीब 130 करोड़ के आसपास लेके चला जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा होगा, फर्स्ट वीकेंड करीब 125 करोड़ के आसपास समाप्त होगा, और वर्ल्ड वाइड इसका जो कलेक्शन है शुरुआती 4 दिनों का वो करीब करीब दोस्तों 170-180 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन इसका हो जाएगा। फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 250 करोड़ का कलेक्शन करना है। मैं आपको बता दूं कई जगह 200 करोड़ भी बजट लिखा हुआ है, कई जगह 250 करोड़ लिखा हुआ है, तो कम से कम 250 करोड़ आप मान के चलिए कि फिल्म को करना ही होगा। और अब वीकडेज पे सब कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि मंडे से फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त ड्रॉप होगा, ये एक तय बात है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली फिल्म अपना बजट तो कवर कर लेगी और हिट की कैटेगरी में आ जाएगी। हालांकि कई लोगों ने अभी से सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया है, ब्लॉकबस्टर बताना शुरू कर दिया है, तो वाली बात तो मुझे अभी नजर नहीं आई है। पठान से भी कंपेयर किया गया कि पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी, 500 करोड़ से ज्यादा करेगी, तो वो वाली बात नहीं है। ये बातें एक झूठी दिलासा देना अपने आपको। शाहरुख खान की फिल्म के कलेक्शन इतने क्यों आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। किस प्रकार से उनकी फिल्मों की बुकिंग होती है, किस प्रकार से ओवरसीज से कलेक्शन आते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे कंपेयर करना उचित नहीं है। लेकिन फिल्म एक ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है, एरिया इलेक्शन मूवी है, लोगों को पसंद आ रही है, तो डेफिनेटली फिल्म हिट जरूर हो जाएगी, मुझे ऐसा जरूर लगता है। आप इसका इस बारे में क्या विचार है जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम जी, बोलना।